नीचे क्यों आ गई? तुम्हीं ने तो मुझे एसएमएस करके नीचे बुलाया, मैंने आपको कोई मैसेज नहीं भेजा। मिस्टर खान के अब्बू अकेले आपको नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? रुको रुको। क्या हुआ जोया? वो यहाँ पे कोई आदमी था, मिस्टर खान के अब्बू को मारना चाहता था, उनकी जान लेना चाहता था। आपने भेजा था ना वो आदमी? किसे? मुझे फंसाने के लिए इस तरह के बहाने बनाना बंद करो जोया। मैं कोई बहाने नहीं बना रही, और ये है उसके यहां होने का सबूत। ये तुम्हारा भी तो हो सकता है। मुवानी आग से खेल रही है, समझी? याद रखिए, ये आग कभी ना कभी आपका दामन भी पकड़ सकती। आज मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो फिर उस दिन आकर बात करना लड़की। मुझे माफ कर दे, मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे दोबारा कभी नहीं करूंगी। जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब पता चला सिलत क्या होती है। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुमसे बदला ले सकता हूं, लेकिन मैं दुश्मनी में भी शराफत रखता हूं, तुम्हारे जितना नीचे नहीं गिर सकता। मेरा तो लड़की होकर भी लड़कियों पर होने वाले सबसे किनारे जो कोई मजाक बना कर रख दिया। छोटा इल्जाम लगाने से पहले कम से कम उन लड़कियों के बारे में तो सोचा होता जिन्हें असल जिंदगी में इस दर्द से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे लिए वो एक लफ्ज था, पर उस लफ्ज ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। ये क्या बेवकूफी है, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम? अब मेरी बात गौर से सुनो, मुझे आज वहीं आकर मिलना जहां मैंने कहा था, समझ रहे हो ना? और इस पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शाम को आप जहां भी जाएंगी मेरी नजर आप पर रहेगी, मैं भी तो देखूं ये कहानी किस जगह से शुरू हुई थी। लगता है चिड़िया जाल में फंस गई है। अफसोस कि तेरी अपने अब्बू से मिलने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अपनी अम्मी को मेरा सलाम जरूर कहना जोया। Mr. Khan.